फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन योर ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज फॉर क्लास 7। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 2 एंड वी वर इन लास्ट टॉपिक अमीबा। मैंने आप लोगों से कहा था कि अमीबा का कुछ रेस्ट पार्ट मैं अगले क्लास में बताऊंगा, तो आज हम लोग वहीं पर हैं। स्टूडेंट, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है जिसे हम लोग ओपन आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। नाउ, अमीबा में बेसिकली फूड का इंजेशन कैसे होता है, इजेशन कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस हम लोगों को समझना है। बेसिकली अमीबा का बॉडी शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, और अमीबा जो फूड पार्टिकल्स खाते हैं वो छोटे छोटे डाइटम होते हैं जिनको एल्गी कहते हैं हम लोग, और छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स बहुत माइन्यूट। बट अमीबा का चूंकि कोई ऑर्गेन नहीं है फूड को इंटेक करने के लिए, तो अमीबा के बॉडी का जो पार्ट है ना वही चेंज होता रहता है। तो अमीबा अपने बॉडी में स्यूडोपोडिया बनाता है। ओके, स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स लेग्स, और उन लेग्स के हेल्प से वो पहले फूड को कवर करता है। कवर करने के बाद वो फूड जब अंदर ले लेता है तो फूड वैक्यूल उस फूड को घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उससे जो एब्जॉर्प्टिव मटेरियल है वो इनगल्फ कर लेते हैं, और इस तरह अमीबा में एब्जॉर्प्शन होता है। इफ यू टॉक अबाउट इजेशन कैसे होता है, अमीबा एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर कैसे निकालता है, तो उसके लिए भी सेल सर्फेस ही हेल्प करते हैं। सो इन दिस वे अमीबा में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और इजेशन होता है। नाउ स्टूडेंट, आपका चैप्टर 2 टोटली कंप्लीट हो गया। सो टुडे आई एम प्रोवाइडिंग यू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम वन बाय वन। यू आर जस्ट वॉचिंग हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, दैट इज इंजेशन। द सेकंड क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस व्हिच मिक्सेस विद फूड इन द माउथ ड्यूरिंग चेविंग द टीथ, चेविंग ऑफ टीथ, दैट इज सलाइवा। नंबर थर्ड, नेम द प्रोसेस व्हिच मूव्स द फूड फॉरवर्ड इन द फूड पाइप एज वेल एज द होल एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। नंबर 4 ए, वेयर इज द वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल फूड एब्सॉर्ब इन द बॉडी, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। नंबर 4 बी, वेयर इज द डाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्ब इन द ब्लड, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 5, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप, दैट इज ऑइसोफेगस। नंबर 6, द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन अनक्लीन टीथ कन्वर्ट द शुगर इन फूड इनटू अ सब्सटेंस एक्स, एंड दिस सब्सटेंस एक्स इज कॉल्ड एसिड। ओके, नंबर 7 ए, नेम द टाइप ऑफ टीथ विच आर फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग फूड, मोलर और प्री मोलर। नंबर बी, फॉर पियर्सिंग canines, and for biting and cutting food incisor. Okay, number 8, what is the name of the set of teeth, number A, which grow in a small baby, that is called milk teeth, and which grow in a child, that is called permanent teeth. Number 9, which teeth in human beings are replaced by permanent teeth, those are milk teeth. Okay, number 10, at what age do the milk teeth fall off in children, 6 to 8 years. Number 11, which organ helps in getting the taste of food which we eat, tongue. Number 12, which two tastes can be detected by the front part of the tongue, sweet and salty. Number 13 A, which taste of food can be detected by the sides of the tongue, that is sour. And number B, by the back part of the tongue, bitter. Okay, number 14 question, what is the special name of the animal which can chew the cud, ruminants. Number 15, what type of microorganisms digest cellulose carbohydrate present in the grass food of a ruminant, those are cellulose digesting bacteria. Okay, number 16, which single celled organism has pseudopodia, that is amoeba. Number 17, name a single celled organism which constantly changes its shape, that is also amoeba. Number 18, what are the false feet of amoeba known as, that is pseudopodia. Number 19, name the parts of amoeba which help it in moving and also in capturing the food, that is also pseudopodia. Number 20, name the condition in which a person passes out frequent watery stools, that is diarrhea. Number 21, name one condition which can lead to the dehydration of our body, that is also diarrhea. Number 22, write the full form of ORS, oral rehydration solution. And the last one is, what happens when glucose breaks down in the body cells with the help of oxygen? Energy is formed. So student, your very short has been completed. Its short questions will be discussed in next class. Till then, goodbye and take care.